किसानों की कर्ज माफी हमारी पहली घोषणा, इसे हमने पूरा किया। सिंगरौली जिले के भाजपा के जिलाध्यक्ष का भी कर्ज माफ हुआ। भाजपा कहे हमारे जिलाध्यक्ष का कर्ज माफ नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा पर दोहरे मापदंड लगाने का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है भाजपा कर्ज माफी को लेकर झूठ बोलती है, जबकि उसके नेता कार्यकर्ता सब इसका लाभ ले रहे हैं। उन्होंने खुलेआम आरोप लगाया सिंगरौली जिले के भाजपा जिलाध्यक्ष का भी कर्ज हमने माफ किया। भाजपाई सिंगरौली जिलाध्यक्ष से पूछे उनका कर्ज कांग्रेस ने माफ किया कि नहीं, इस बारे में हमने कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता टीकाराम कोस्टा से बातचीत की। कमेटी अध्यक्ष राहुल गांधी का कहना साफ है कि कांग्रेस पार्टी कभी भी वायदे नहीं करती, वचन देती है, और ये उन्हें करके दिखाया। और पूर्व में तीन राज्यों में जो चुनाव हुए, ये प्रत्यक्ष उदाहरण है कि मुख्यमंत्री ने शपथ लेने के एक घंटे के अंदर ही जो राहुल गांधी ने वचन दिया था किसानों को, उनके दर्द को समझा था, उन्होंने सबसे पहले उस कर्ज माफी पे आदेश पे साइन किए, और केवल साइन ही नहीं किए, उसको फेसबुक पे भी उस आदेश को डाल दिया, जिससे हमारे किसान ये कहीं यहाँ वहाँ ना भटके कि वो ऑर्डर की कॉपी कहाँ है। फेसबुक आजकल सबके पास रहता है। इसी तरह से भारतीय ऐसा नहीं कि जो कर्ज माफ हो रहे हैं वो केवल किसी एक व्यक्ति के हो रहे हैं, उसमें कोई भी किसान हो, समझे, यदि वो कर्ज में डूबा है, 2 लाख तक का कर्जा उसका माफ किया गया है। और हमने ये कभी नहीं देखा कि ये न कभी ये तय किया कि वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। उसने हमेशा हमेशा जो कर्जदार था उसका कर्जा माफ किया, सकल देख के माफ नहीं किया। और ये हमारे पास उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से प्रश्न करना चाहता हूं कि जो जवाब देते हैं कि वो उन्होंने कर्जा माफ नहीं किया, तो ये हमारे पास ऐसा है कि जो किसान भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखता था परंतु किसान था, हमने उसका कर्जा माफ किया है, यह एक उदाहरण है। अगर इस यह बात गलत है तो भारतीय जनता पार्टी के वो नेता ये बताएं पहले कि ये हमारा पदाधिकारी नहीं था।